नमस्कार, बीकी बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद करने वाला हूं, तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आगे भी इस तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएलएस लिक्विड और साल्ट, ये दो रॉ मटेरियल से हम कौन कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं। समझ में आ गया? यह तो वाटर है, यह तो हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम उसमें यूज करेंगे ही, लेकिन अगर एसएलएस लिक्विड का बात किया जाए और साल्ट का बात किया जाए तो यह बेस है, हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए, लमसम आप इससे हर लिक्विड बना सकते हैं। समझ में आ गया? कहने का मतलब यह है, हैंड वॉश हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया, डिश वॉश लिक्विड हो गया, लिक्विड डिटर्जेंट हो गया, यह सब आप इससे बना सकते हैं। समझ में आ गया? ना हम इसमें कास्टिक सोडा का यूज करेंगे, ना एसिड स्लरी का यूज करेंगे, तब भी हम इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे मान लीजिए, अगर हमें हैंड वॉश बनाना है तो हम उसके लिए डायरेक्ट एसएलएस लिक्विड और साल्ट और वाटर का यूज करेंगे, और उसमें जो भी हमें ऐड करना है, जैसे मान लीजिए हमें डिटॉल हैंड वॉश बनाना है तो उसमें हम डिटॉल ऐड कर देंगे, नीम हैंड वॉश बनाना है तो हम नीम ऐड कर देंगे। समझ में आ गया? उसके बाद विटामिन ई कैप्सूल अगर हम ऐड कर देते हैं तो और भी थोड़ा स्किन के लिए वो बढ़िया होता है। तो इस तरीके से हम हैंड वॉश कई तरह का हम बना सकते हैं। समझ में आ गया? जिसका भी हल्दी हैंड वॉश बनाना है तो आप उसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लास क्लीनर। ग्लास क्लीनर भी बस हम इसी से बनाकर उसमें हम कोई भी कलर ऐड कर देते हैं, जैसे इस तरीके का फूड कलर ऐड कर देते हैं, परफ्यूम ऐड कर देते हैं, तो हमारा ग्लास क्लीनर भी बन जाता है। डिश वॉश लिक्विड अगर हमें बनाना है तब भी हम एसएलएस लिक्विड साल्ट, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा साइट्रिक एसिड ऐड कर देते हैं, और उसके बाद लेमन परफ्यूम ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से हम थोड़ा नींबू ऐड कर देते हैं। समझ में आ गया? तो हम इससे डिश वॉश लिक्विड भी बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो लिक्विड डिटर्जेंट भी हम इससे बना सकते हैं। उसके लिए हमें भी बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। यह तो हो गया हमारा। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा TSP ऐड कर देते हैं। समझ में आ गया? और उसमें भी हमें थोड़ा सफाई के लिए साल्ट हम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ऐड कर देते हैं। समझ में आ गया? मतलब जैसे यह नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी बनेगा, लेकिन यह है कि मतलब थोड़ा मीडियम क्वालिटी में बन जाएगा, बढ़िया कपड़े को धोने के लिए। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है, उसे आप एक तरह से लिक्विड डिटर्जेंट शैम्पू कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम यह सब प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अगर आपको बहुत कम खर्चे में, बहुत कम आपके पैसा है, आपके पास पैसा है, तो आप यह दो रॉ मटेरियल अगर मार्केट से लाते हैं, ध्यान से बात सुनिएगा, आपके पास 2000 है, 4000 है, 10000 है, अरे यहाँ तक आपके पास अगर 1000 रुपये हैं, समझ में आ गया? अगर 1000 रुपये हैं और आपके थोड़ा नज़दीक अगर केमिकल मार्केट है जहाँ पर एसएलएस लिक्विड बस मिल जाए, साल्ट तो आप किराने की दुकान से ले आएंगे, कोई टेंशन नहीं है, कलर आप किराने की दुकान से लाएंगे, फूड कलर जो आता है, मिठाई उठाई पड़ता है, परफ्यूम आप अगर वहाँ से लाएंगे केमिकल मार्केट से तो छोटा सा एक बोतल ले लेंगे, नहीं तो परफ्यूम भी आप इधर उधर से लोकल मार्केट से ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं। बस आपको अगर एसएलएस लिक्विड मिल जाए, समझ लीजिए, बस एसएलएस लिक्विड आपको कहीं से मिल जाए, आपके नज़दीक मार्केट वर्केट है, तो आप 1000 रुपये में, समझ में आ गया, 1000 रुपये में आप ग्लास क्लीनर और हैंड वॉश दोनों बना सकते हैं। समझ में आ गया? डिश वॉश लिक्विड भी बना सकते हैं,
लिक्विड डिटर्जेंट भी बना सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से सबसे आसान देखा जाए तो आप ग्लास क्लीनर और हैंड वॉश मात्र एक हजार रुपये लगाकर आप स्टार्ट कर सकते हैं सैंपल के तौर पर। आपको बोतल वोटल भी खरीदने की जरूरत नहीं है, सीधे आपके किराने की दुकान पर लोकल मार्केट में पाउच मिल जाता है, सफ़ेद कलर नहीं होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट पन्नी होता है, वो आप ले लीजिए। 50-50 ग्राम का, 100-100 ग्राम का पैकेट बनाइए और पैक करने के लिए आप मोमबत्ती से उसे पैक कर सकते हैं, उसमें लिक्विड भरकर मोमबत्ती से पैक करके सैंपल के तौर पर आप दुकान पर दे सकते हैं। कहीं मान लीजिए बाजार वजार लगा हुआ है, अपना प्रचार करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर सैंपल के तौर पर दे सकते हैं। समझ में आ गया, मतलब आप यह सीधा सीधा बात यह अगर कहा जाए तो आप 1000 रुपये लगाकर क्लिनिक प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है और यह भी एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन उस्किन को इससे बहुत ज़्यादा आपको सावधानी नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए आप कास्टिक सोडा वोडा का यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा सावधानी अपने आपको रखना पड़ता है, मान लीजिए आँख में न जाए, मुंह में न जाए। समझ में आ गया, आँख में तो कास्टिक सोडा बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा, अगर उसका एक बूंद ही अगर आपके आँख में पड़ गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा। लेकिन अगर आप शुरुआती है, एकदम शुरुआत आप कर रहे हैं, आपका मन है, वीडियो वीडियो आपने देखा कि इस तरीके से हम बिजनेस करना चाहें, तो आप मात्र 1000 रुपये लगाकर इसलिए लिक्विड लाकर आप उससे अपना हैंड वॉश और डिश वॉश लिक्विड हैंड वॉश और ग्लास क्लीनर तो एकदम गारंटी आप बना सकते हैं और उसके बाद आप उसका प्रचार कर सकते हैं। समझ में आ गया, 1000 रुपये भी आपके लिए मैं बहुत बता रहा हूँ, लेकिन मान के चलिए अब 1000 से कम मैं क्या कहूँ सही है कि नहीं। अब मान लीजिए अगर 100-150 रुपये के जी अगर आप जैसे छोटे मात्रा में लेंगे, कम मात्रा में लेंगे, तो मान के चलिए 150-150 रुपये के जी से कम वो नहीं देगा आपको दुकानदार। समझ में आ गया, यह जैसे यह देखिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है तो यह 100 से 120 रुपये के जी तक मिल जाएगा। जब आप ज़्यादा लेंगे कम से कम 50 kg का गैलन लेंगे, लेकिन आप अगर 2-4 kg अगर ला रहे हैं तो हो सकता है कि 150 से 200 रुपये के जी तक आपको दे। तो मान के चलिए अगर आप 200 रुपये अगर के जी मान के चलिए 200 रुपये के जी अगर वो आपको दे रहा है, तब भी 2, 5, 10 तो 5 kg नहीं लेकर आप 2 से 3 kg ही लाएंगे। उसके बाद आने जाने का खर्चा मतलब 1000 रुपये में आपका पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया, और अगर हो सकता है कि थोड़ा आपको अगर सही रेट पर दे दे 150-150 रुपये के जी दे दे तो आपको और ज़्यादा मिल जाएगा। समझ में आ गया, तो मतलब 1000 रुपये में आपका पूरा टोटल खर्चा मिलाकर आप उससे कर सकते हैं, आने जाने का भाड़ा उड़ा सब मिलाकर। तो इस तरीके से आप लाइए और घर पर बना कर अपना एक बार ट्राई करिए, देखिए कि मार्केट में किस तरीके से सेल किया जाता है, किस तरीके से अपना प्रमोशन किया जाता है, प्रचार किया जाता है प्रोडक्ट का। समझ में आ गया, तो इसी तरीके का नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए जिससे कोई भी वीडियो बनेगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। समझ में आ गया, चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।